न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। यूपी समेत पांच राज्यों में चुनावों के बाद अब गुजरात में चुनावी माहौल है। सियासी पार्टियों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। पंजाब में अपना जबरदस्त जलवा दिखाने वाली आम आदमी पार्टी भी गुजरात के चुनावी रण में कूद गई है। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्या भाजपा अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा भंग करके गुजरात के चुनावों का ऐलान करने जा रही है? आपका इतना डर। केजरीवाल का ये बयान उनके गुजरात दौरे से ठीक पहले आया है। उनके कहने का मतलब है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। वैसे गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे। इसी महीने की शुरुआत में सीएम केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मिलकर अहमदाबाद में रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 25 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी यहां अहंकार से भरी हुई है, मुझे मौका दें, मैं गुजरातियों को जिताने आया हूं। बीते चुनावों में पंजाब में तूफानी जीत के बाद से आम आदमी पार्टी जोश में भरी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीत कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद अब केजरीवाल की नजरें गुजरात पर टिकी हुई है। गुजरात को बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला कहा जाता है। पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त से बीजेपी यहां की सत्ता पर काबिज है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए गुजरात सियासी तौर पर काफी अहम माना जाता है। कांग्रेस ने पिछली बार कांटे की टक्कर दी थी और इस बार फिर से ओबीसी दलित पटेल मुस्लिम समीकरण बनाकर अपने सत्ता के वनवास को तोड़ने की जुगत में है। और इसी रण में इस बार आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने उतरी है। गुजरात के विधानसभा में 182 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इनके अलावा बाकी छोटे दलों और निर्दलियों ने कुल मिलाकर 6 सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी ने विजय रूपाणी की अगुवाई में सरकार बनाई थी। सितंबर 2021 में बीजेपी ने पूरी रूपाणी सरकार को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में कैबिनेट का गठन किया था। बीजेपी गुजरात में 1995 से सत्ता में है और बीजेपी ने अपने ही सियासी प्रयोग से पार्टी सत्ता विरोधी लहर से निपटने का फॉर्मूला निकाला है। न्यूज तक ब्यूरो।